हाँ ये देख 20 रुपए एडवांस भी मिले। अच्छा किस दफ्तर में मिला है काम बेटी? दफ्तर में नहीं माँ, एक नाटक कंपनी में। नाटक? हाँ माँ नाटक कंपनी में, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं बेटी, ये रुपए तू उन्हें वापस कर दे, हमें ये काम नहीं करना है। क्यों माँ, इस काम में क्या बुराई है? बेटी तू एक ऊंचे खानदान की लड़की है, आज गरीबी ने हमें मजबूर कर दिया है, मगर ये काम नहीं। नहीं बेटी ये काम तेरे लायक नहीं, तू ये पैसे वापस कर दे। माँ इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा बुरा होना इंसान के अपने हाथ में होता है, काम से कोई अच्छा बुरा नहीं होता माँ। नहीं बेटी, अच्छे घराने की लड़की नाटक में काम करेगी तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया उंगलियां उठाएगी। दुनिया उंगलियां उठाएगी इसलिए माँ कि गरीब लड़की खुद काम करके इज्जत से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, और अब जो एक एक करके इस घर की हर चीज बिकती जा रही है उस पर क्या दुनिया हमारी वाह वाह कर रही है? और बीना, नहीं माँ अब मुझसे तुम्हारी ये दुख नहीं देखे जाते, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छा बुरा समझती हूँ माँ, मैंने हर जगह नौकरी तलाश की मगर इसके सिवा कहीं काम नहीं मिला। मगर बेटी मैं तुझे कैसे समझाऊं कि नाटक में जाना किसी अच्छी लड़की के लिए ठीक नहीं है? मैं तेरी बात समझती हूँ माँ, तू मेरा विश्वास कर, मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे तुझे मेरी माँ कहलाते हुए शर्म आए, मुझ पर विश्वास कर माँ। प्रभु मेरे समझ में कुछ नहीं आता, अब तुम्हें इसकी रक्षा करना। हम दिल का कमल देंगे जिसको, दिल का कमल देंगे जिसको, होगा कोई एक हजारों में, होगा कोई एक हजारों में। डायरेक्टर साहब क्या हम अंदर आ सकते हैं? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, बैठिए। ओ तो ये नई लड़की तुमने हीरोइन के लिए चुनी है? जी हाँ बीना, ये है सेठ रतनलाल, इस थिएटर की बिल्डिंग के मालिक। नमस्ते। नमस्ते, आओ आओ बैठो। जी शुक्रिया, इजाजत हो तो मैं अपनी रिहर्सल करती रहूं। माफ कीजिए सर साहब, तो हम अपना काम करें? हाँ हाँ शॉप से। अच्छा नमस्ते। हम दिल का कमल देंगे जिसको, होगा कोई एक हजारों में, दिल का कमल देंगे जिसको, होगा कोई एक हजारों में।
बीना देवी, कमाल कर दिया है आपने, वाह वाह वाह, जितनी तारीफ की जाए कम है। दिल चाहता है कि दुनिया भर की तमाम दौलत आप पर निछावर कर दूं, लेकिन फिलहाल यही एक छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइएगी। शुक्रिया, वहां रख दीजिए। तुम्हें किन लफ्जों में मुबारकबाद दूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी कविता जो आज तक कागज के फूलों की तरह बेजान थी, उन फूलों को तुमने आज जिंदगी की खुशबू बख्श दी है बीना। यह आपकी महानता है गोपाल बाबू जो आप ऐसे कहते हैं, वरना जो कुछ मैंने किया है आप ही की मेहनत और मेहरबानी से किया है। मुझे मुबारक नहीं, आशीर्वाद दीजिए। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। मुसीबत में है। मेरे तो सुनते ही जान निकल गई। अगर तू वक्त पर वहां ना पहुंचता तो न जाने इसका क्या हाल होता। भगवान तेरी उम्र लंबी करे बेटे। मैंने तो पहले ही इसे नाटक में काम करने को मना किया था। इसमें नाटक का क्या दोष है माँ जी, अच्छे बुरे तो सब जगह होते हैं, ऐसी बातों से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा आगे दीजिए। अरे नहीं बेटा, तू यहाँ बैठ, मैं अभी आई, अभी आई मैं। बैठिए। शुक्रिया। बड़ी अजीब बात, आपके हनी कितनी जल्दी दोस्ती हो गई।
इसने मेरी बहुत मदद की है। सिर्फ इसने? देखा नहीं, मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। ओ, तो आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? तो हनी से क्यों पूछ रही, मुझसे पूछिए ना। सुनिए, मेरा नाम है राजन, वजन 150 पाउंड, कद 5 फुट 10 इंच, गला 15, छाती 40, पेट 34। अरे आप हंस रही हैं, मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ी मिठाई खा ली। थोड़ा दूध भी पी लो बेटा। नहीं माता जी, बस आगे। अच्छा जीते रहो बेटा। ए हनी, यहीं लेट क्या, घर नहीं चलेगा क्या? मैं जाऊं? मैं जाता हूं। बच्चे सोने देना यार, अभी तो आधी रात है। राजेन, बेटे तुम्हारा जन्मदिन है, लोग आते ही होंगे, तैयार हो जाओ। आया बाबूजी। आता हूँ। अरे कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ मैं। बाप रे, ये केक है या केका? अरे जग्गू। क्या है माँ? ये क्या भेद बनाया है? आज जन्मदिन है ना, इसलिए नए कपड़े पहने। अरे बुद्धू, जन्मदिन तेरा नहीं, राजन का है। किसी का भी हो, आखिर जन्मदिन तो है ना। अच्छा अच्छा, ये पूजा की थाली मालिक के कमरे में ले जाओ। जग्गू जी, बड़ा मालिक। ये राजन के कपड़े जल्दी उसके पास पहुँचा दे। ओ लाश मेरे पास, हरिया बदमाश। जग्गू, ओ जग्गू। जी छोटा मालिक, कपड़े लाने में इतनी देर लगा दी? अरे तो मैं क्या करूं मालिक, एक जग्गू है और पुकारने वाले 200 आदमी, एक अनार और 100 बीमार। मालिक एक बात पूछूं? ये देखो आपकी मोटरसाइकिल में से क्या मिला है? क्या मिला है? लड़कियों के जूड़े में लगाने का पिन। क्या? तो तुम्हारा मतलब है मेरी मोटरसाइकिल में लड़कियां बैठती हैं? नहीं नहीं, तो शायद तुम्हारा कुत्ता इसे सर में लगाता होगा। तू गुस्सा क्यों होते हो? जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, वरना जिंदगी में मजा कैसे आएगा? बदमाश कहेगा। जियो बेटे, माँ को प्रणाम करो। लोग सुखिया से भी आशीर्वाद लो, इसी ने तो तुम्हें पाला है। जब जब जियो बेटा, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। आ गए पंडित, साथ अपने पूरी पलटन भी ले आए। भैया अगर मैं पड़ोसी होकर नहीं आता तो राय बहादुर साहब नाराज नहीं हो जाते? राय बहादुर साहब नाराज नहीं होते, अब यही खड़े रहो। राय बहादुर, राय बहादुर आए। फिर आगे बढ़े, मैंने कहा था, मैंने मना किया था ना कि आगे नहीं बढ़ने का। ओए बेटा राजन, राम चाचा, राम, तुम्हारा सालगिरह तुमको मुबारक। कान इसे डबल डबल मुबारक दो, इसने एमए पास किया है। वो कुछ क्यों पास नहीं करेगा, ये शेरखान का बकीत है। वो शर्म तो तुमको आना चाहिए राय बहादुर। क्यों? वो तुम तो मैट्रिक में भी यार फेल हो गया था। और तुम कौन सा पास हुआ था? हम कैसे पास होता, हम तो तुम्हारा पर्चा का नकल मारता था। आओ बेटे, आओ, अब केक काटे। आओ हन भाई। हरी अब काटो बेटा। Thank you.
राजन को बधाई देने। आओ बेटे। आओ घन भाई। घुंघरवा मोरा छन्न छन्न बाजे, घुंघरवा मोरा छन्न छन्न बाजे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छन्न छन्न बाजे, घुंघरवा मोरा छन्न छन्न बाजे। ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। चाहत बिना जिंदगी थी अधूरी, चाहत बिना जिंदगी थी अधूरी, तू नहीं समझे गवालन की चोरी, तू नहीं समझे गवालन की चोरी। राधा को साजे तो मोहन ही साजे, मोहन ही साजे। घुंघरवा मोरा छन्न छन्न बाजे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छन्न छन्न बाजे। चमेली चमेली, छोड़ दो मुझे, बहुत हो गया। मेरी रानी आज बहुत गुस्से में है। तो क्या करूं, तुम मेरे बापू से बात पक्की नहीं करोगे तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। अरे पर तेरे बापू से कैसे बात पक्की करूं, वो तो शादी के लिए रुपया मांगता है और मेरे पास तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। बस तुम यही कहते रहना और एक दिन बापू मेरी शादी कहीं और कर देगा। रोज कोई 5,000-7,000 देने वाला आता है और आज कोई 10,000 देने वाला आ रहा है। 10,000? हाँ, इसलिए तो बापू ने मुझे घर भेजा है कि बेटी मैं मालिक से बख्शिश लेकर आता हूँ, तू घर जा, एक मूलचन मूछ वाला आने वाला है। मूलचन मूछ वाला? वो कौन है? होगा कोई मुआ मूछ वाला। ओह लो, वो तो आ ही गया। अरे सुन तो, इधर। हाँ? हाँ, जो मैं कहता हूँ वैसा कर। जा, जाना। अरे जाना। नंबरदार साहब हैं? पायलट बस डर गए क्या है? जी कुछ नहीं, पायलट ही कर रहा था। अंदर चलिए। तुम कौन हो? मैं तो अपने चाचा के भाई का बेटा हूँ। चलिए आइए बैठिए। चमेली, ओ चमेली, वो आ गए हैं, जल्दी चले आओ। अजी क्यों तकलीफ करते हो,
मैं खा पीकर आया हूं। नमस्ते। ये क्या है? ये आपको चाचा जी ने बताया नहीं? नहीं तो? अरे मैं पूछता हूं ये क्या है? तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, जरा हाथ देना। तुम बर्दाश्त कर लोगे? क्या बर्दाश्त करूंगा? अरे क्या खाते हो? चमेली, इनकी खोपड़ी तो नारियल की तरह मजबूत है। खत्म। क्या खाता हूं? आप आराम से बैठिए, मैं बताता हूं। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से ब्याह करने के लिए धनुष तोड़ा था ना? इसी तरह चमेली के स्वयंवर के लिए भी चाचा जी ने शर्त रखी। क्या शर्त? डरने की कोई बात नहीं, वो डंडा देख रहे हो? हाँ। और उस पर वो चांदी की मूठ देख रहे हो? हाँ। वो डंडा लेकर, डंडा लेकर तुम्हारी खोपड़ी पर, खोपड़ी पर फटाक मारेंगे। चिल्लाना नहीं, अगर तुम चुप रहोगे तो स्वयंवर जीत गए। बैठो 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 बैठो। कल एक आदमी आया था, तिनके की तरह, बस एक ही चोट में खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, जान से नहीं मरा, सिर्फ पागल हो गया। पागल हो गया? पागल हो गया था? अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी आता हूँ। लेकिन वो चाचा जी आ गए। बाप रे! अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए। अब ये मूछ वाला जीते जी तो इस घर में कभी नहीं आएगा। बड़ा आया, 10,000 वाला। पर एक आदमी को भगा देने से हमारी शादी तो नहीं हो जाएगी, कुछ इसके लिए तो सोचो। चमेली, ए, कहां जाते हो? बापू ने देख ले तो जान से मार डालेंगे। फिर कहां जाऊं? पूजा के कमरे में छुप जाओ। ओ बेटी चमेली। क्या है बापू? वो मूछ वाला आया था? हाँ आया था, पर जब कोई आता है तुम यहाँ क्यों नहीं होते बापू? क्यों? अरे बापू वो कितना गुस्से वाला आदमी है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, जैसे ही वो आया तुम्हारी ये चांदी की मूठ वाली छड़ी है ना, इसे देखते ही बोला कितनी अच्छी है मुझे दे दो। फिर? मैंने बड़े नरमी से कहा ये बापू की है, उसे बगैर पूछे मैं कैसे दे दूं। बस इतने में उसका पारा चढ़ गया और गुस्सा होके चला गया। चला गया? अरे चमेली तूने सब सत्यानाश कर दिया, जिसको मैं बेटी दे सकता हूँ उसको छड़ी नहीं दे सकता। किधर गया वो? उधर ही जा रहा होगा। क्या अकल है तेरी, लाए जा। क्या हो गया इसको? चमेली, ओ चमेली खोलो ना दरवाजा। अरे शोर मत करो, बापू वापस आ रहा है, वहीं बैठे रहो। ची 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 ची, न जाने आज उसे क्या हो गया, ऐसा भागा जैसा गधा रस्सी तोड़ा के भागता है। ले। अरे बापू कहाँ जा रहे हो? अरे हटना बेटी, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। जा करनी है तो पहले स्नान तो कर लो, इतने में सामान तैयार करती हूँ। अरे स्नान विस्नान हो चुका, तू हटना। शिव हर शंकर गौरी बापू। छोड़ना बेटी संगो। शिवार शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम रुद्रम पशुपतिमीशानम शिवार शंकर गौरीशम शंभो हरिओम।
अच्छा शिवहर शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिवीशानं शिवहर शंकर गौरीशं शंभो हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। मालिक का भला हो, क्या खुले दिल से इनाम दिया है। आ भगवान करे इनके बेटे के साल में चार चार जन्मदिन हो। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। शिव शंभो कैलाशनाथ। देखो बेटी मैं काम पे जा रहा हूं, तुम घर का ध्यान रखना। अच्छा बापू। अरे तुम क्या कर रहे हो अंदर? मैं पूजा कर रहा हूं। बीना मधुर मधुर कछ बोल बीना। कितना प्यारा नाम है बीना। हनी मैं तो भूल गया कि आप भी यहीं हैं। हनी तू कुछ भी बोल मगर यार उसे भूलना बहुत मुश्किल है, जानता है हर रोज सपनों में आती है। बात करना चाहता हूं तो भाग जाती है। यार मिलने को बहुत जी चाहता है मगर डरता हूं कहीं गलत ना समझ बैठे। उस दिन थोड़ी मदद क्या कर दी, आज बदला मांगने चला है। यार तू ही बता मुलाकात हो तो कैसे हो। ए ओ कहां जा रहा है, मेरे साथ शहर पे नहीं चलेगा आज? अरे हनी तो यहाँ, क्या वो भी आए हैं? कहाँ हैं वे? अरे रे कहाँ लिए जा रहा है? अच्छा अच्छा उठे मैं भी आई। सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर
तूने सिखाया जीना है सांवली हसीना, दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना, एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। जुल्फे जो मुँह पे डालो तो दिन में शाम कर दो, और बेनकाब निकलो तो कत्लेआम कर दो, जुल्फे जो मुँह पे डालो तो दिन में शाम कर दो, और बेनकाब निकलो तो कत्ले आम कर दो, वो ही बचेगा जिसको मिलेगा तेरे प्यार का साया, हाय कुर्बान जाऊं, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम तो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी, गर झूम के चलो तुम तो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी, गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। ससुर जी, ओ मिस्टर ससुर जी, आइए आइए, कहां से आए आप? तू जग्गू? जग्गू ना, से जगतनाथ बोलो। अरे ये सब कपड़े कहां से चुरा के लाए? डोंट टच मी, हट के बात करो। अब तुम्हारा हमारा हैसियत में 4 लाख का फर्क, 4 लाख तुम मालूम? टमाटू, ये क्या चीज है? चीज नहीं, शहर का नाम है। मेरा एक ग्रेट अंकल उधर व्यापार के लिए गए थे, परसों वो अचानक मर गए, और अचानक मुझे तार आया, और अचानक मैं लखपति बन गया। ये 4 मकान, 40 गोरा, 400 एकड़ जमीन, 40,000 भैंस दूध देने वाला, और 4 लाख रुपया रोकड़ा। रोकड़ा 4 लाख? तुम्हारा हमारा पुराना जान पहचान है, इसलिए ये तोहफा भी लाए। तोहफा लाओ, तोहफा। पहले लड़की किधर है? लड़की चमेली। ओ बेटी चमेली, इधर आ, बाहर देखो कौन आया है, भागो दौड़ो। क्या है बापू? अरे तुमने पहचाना नहीं, ये अपना बेटा जग्गू। क्या बापू, मुझे ये टोप पसंद नहीं। तुम गांव का छोकरी, तुमको टोपी के बारे में क्या मालूम? जाके रामपुर के जमींदार से पूछो। कौन कौन? रामपुर के जमींदार साहब? वो तो करोड़पति है। ओह यस, हमारा उनके साथ 5 बजे मिलने का टाइम है। क्यों क्यों? उनका एक बेटी है रूपा देवी,
हमारा ऐसा ख्याल है कि वो अपने बेटी का शादी मेरे से खाना मांगे। नहीं नहीं जग्गू बेटा, वो बिल्कुल बोगस आदमी है। बेटी की शादी तुमसे कर कर तुम्हारा सब माल वो हड़प करना चाहता है। मगर मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम उसके चक्कर में मत फंसना। अरे फंसने दो ना बापू, करने दो शादी जमींदार की लड़की से। ये सब तोहफे वोहफे उसी के पास ले जाओ। अरे तुम चुप रहो ना बेटी। लाओ बेटा, तुम्हारे हाथ थक गए होंगे। ससुरा जी, क्या मैं इधर सिगरेट पीना सकता? क्यों नहीं, अब तुम सिगरेट नहीं तो क्या बीड़ी पियोगे? तो तुम ये 10 रुपए का नोट ले आओ और मेरे वास्ते एक पैकेट सिगरेट लाओ। सिगरेट लाता लेकिन दुकान नजदीक नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरा नोट लो, टैक्सी से जाओ और टैक्सी से वापस आओ। टैक्सी से जाओ टैक्सी से वापस आओ, कोई बात नहीं, अभी लाता है। छोड़ दो मुझे, जो अपनी उस जमींदार की लड़की के पास वो अंग्रेजी में बोलेगी आई लव यू और खींची करके दान दिखाना। जाओ ना, जाओ ना उसी के पास। अरे पगली, वो तो मैं तेरे बापू को बनाने के लिए ड्रामा कर रहा था और तू ड्रामा? तो क्या तुम सचमुच अमीर नहीं बने? जग्गू बेटा, तेरा बाप वो ससुरा जी, तुम कितना लेट आया। लगा नहीं, ये तुम्हारा सिगरेट पैकेट और ये आठ आना बचा है। ससुरा जी, तुमको नहीं मालूम हमको कितना एंगेजमेंट है, कितना काम है। अरे काम का क्या बेटा, काम तो होता ही रहेगा। अब देखो बेटा, शादी का मुहूर्त तो मैं निकलवा लूंगा, अब रहा मेरा और शादी का खर्चा, वो तो तुम करोगे ही। ओह यस। और बेटी के लिए कुछ जेवर? और उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मेरे पास सब है, बाजूबान, माथे का टीका और एक मोहरों का हार भी हो जाए। मोहरों का हाँ, वो भी है। मिस्टर ससुरा जी, सच्ची बात तो ये है कि मेरे पास जो कुछ भी है सब आप ही का है। आहा, जीओ मेरे लाल। बीनू, कुछ बात करो। क्या बात करूं? कुछ राजन, ये खामोशी इतनी सुहानी है कि बात करने को जी नहीं चाहता। तो क्या जी चाहता है? बस जी चाहता है कि तुम्हारे पास बैठी रहूं और तुम्हें देखती रहूं। सच? और ये चांद सितारे हमें देखते रहे। अब भी नहीं जानती है मेरा जी क्या चाहता है? क्या? बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। क्या है जी मेरी आंखों में? इन आंखों में झीलों का नीला रंग है। और क्या है? 7 समुद्रों की गहराई भी है। और इन गहराइयों में छलकता हुआ मेरा प्यार भी है बीनू। बस बस, और मेरा प्यार नहीं दिखाई देता? अरे पगली, तुम्हारा प्यार तो मेरे दिल में है। और जानते हो मेरे दिल में क्या है? क्या है? एक बड़ा खूबसूरत दर्गी मिले। ये तो भंजाल का एक छोटा सा झटका था, ऐसा तो यहां कभी कभी होता ही रहता है। डरो मत बीनू, डरो मत। जब तुम मेरे साथ हो राजन, तो मैं दुनिया में किसी बात से नहीं डरती। पर कहीं भगवान हमारे प्यार का इम्तिहान तो नहीं दे रहे? दिल को बांधा जुल्फ की जंजीर से,
होश लूटे हुस्न की तासीर से हम कहां तक जब्त करते दर्द दिल हाल दिल कहना पड़ा तस्वीर से बात दिल की ज़बां पे रहती है लफ्ज़ होठों पे थरथराते हैं तुमसे जब भी नजर मिलाता हूँ मेरे अरमान कांप जाते हैं आज भगवान के चरणों में झुका कर सर को उम्र भर साथ निभाने की कसम खाते हैं राह जीवन की हो या मौत की मंजिल साथी हर जगह साथ ही जाने की कसम खाते हैं आसमां टूटे या पट जाए जमीन का सीना प्यार का महल बनाने की कसम खाते हैं तो तुम एक एक्ट्रेस से शादी करोगे बाबूजी वो एक अच्छी और शरीफ लड़की है गरीबी से मजबूर होकर उसे स्टेज पे काम करना पड़ा इस किस्म की तमाम लड़कियां ऐसी कहानी सुनाया करती वरना अमीरों की लड़कियों के जाल में फंसे कैसे ये आपकी गलत फहमी है बाबूजी वो बेचारी तो इतना भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ किसका बेटा अच्छा जी हाँ बाबूजी तो इसका मतलब है कि वे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जिसने तुमको भी ये पता नहीं चलने दिया कि वो तुम्हें जानती है बाबूजी आपने उसे देखा नहीं उससे बात तक नहीं की और अपना फैसला सुना दिया मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बाबूजी कि ये लड़की उतनी ही इज्जतदार है जितनी कि मेरी मां थी या मेरी दादी राजेंद्र हां बाबूजी आप एक बार उससे मिलिए तो सही तुम चाहते हो कि अब मैं एक एक्ट्रेस से भी बात करूं एक्ट्रेस होना कोई बाप तो नहीं बाबूजी कि उससे बात भी ना की जाए अच्छी बात बुला लो उसे मैं मिलने को तैयार हूं सौदा करते हैं एक बार
आज तुमने अनारकली का पाठ कमाल किया। ये अनारकली का कमाल नहीं, ये तो मेरे सलीम का कमाल है जो मेरे सामने बैठा था। गोपाल बाबू आइए ना। राजन ये हमारे डायरेक्टर हैं गोपाल बाबू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी गोपाल बाबू, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलूं? जी वीर, मैं तुमसे ये कहने आया था कल मैं तुम्हें बाबूजी के पास ले जाऊंगा। क्यों? अरे वो अपनी बहू को देखना चाहते हैं। चलोगी ना? गोपाल बाबू। ओ बीना, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। मुझसे? कहो। राजन जिन्हें आपने अभी देखा है वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। और तुम भी? जी मैं भी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए गोपाल बाबू मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूँ। बाबा उधर इतनी गौर से क्या देख रहे हो? उन दोनों में हजारों तरह की बातें हो सकती हैं। जाओ जाओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक ताक झांक की आदत नहीं गई। और तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो कोई महल दिखाई देता है। महल तो है मगर उससे क्या। ये तुम हो? हाँ। तो आज तक तुम मुझसे झूठ बोलते रहे? मैंने कभी झूठ नहीं बोला भी। पर तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम इतने अमीर आदमी हो। मगर मैं अमीर कहाँ हूँ, एक अमीर आदमी का बेटा जरूर हूँ, समझी? देखो
तुम यहीं ठहरो, मैं देख के आता हूं बाबूजी अपने कमरे में है या नहीं। वीनू, बाबूजी अंदर है, तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। और तुम नहीं आओगी? वो शायद अकेले में तुमसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे दफ्तर जाने के लिए कह दिया। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, तुम जाओ। मगर मुझे डर लगता है। तू तो पगली है वीनू, इसमें डरने की क्या बात है? जो कुछ पूछेंगे ठीक ठीक बता देना। जाओ शाबाश शाबाश, जाओ 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 जाओ, जाओ, जाओ। चलिए आओ। बैठो। जीती रहो बैठो। तो तुम राजन से शादी करना चाहती हो और तुम्हें आज तक ये मालूम ना था कि वो मेरा लड़का है। खैर अब तो मालूम हो गया ना, अब तुम क्या सोचती हो? जी देखो, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत कामयाब एक्ट्रेस। ये तुम्हारा चप्पल उतारना, मेरे पांव छूना और फिर अदब से खड़े रहना, कितना खूबसूरत एक्टिंग है। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 200 रुपए। बस इतनी बड़ी एक्ट्रेस और इतनी सी तनख्वाह? बहुत कम है। मगर इस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारे और भी कई कदरदान होंगे, स्टेज के बाहर, स्टेज के अंदर। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तुम्हारी इन बातों से क्या वास्ता? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं, प्यार का ये नाटक जो तुम मेरे बेटे के साथ खेल रही हो, इसे बंद करने की क्या कीमत होगी? बोलो, क्या कीमत होगी इसे बंद करने की? क्योंकि मैं नाटक में काम करती हूं, इसलिए अगर आपको मेरा प्यार भी एक नाटक दिखाई देता है, आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहते कि वो इस तमाशे को बंद कर दे और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे? यही तो मुश्किल है, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो बेवकूफ तुम्हें सचमुच प्यार करता है। उनके प्यार पर आपको विश्वास आ गया क्योंकि वो आपके बेटे, एक अमीर बाप के बेटे, और मेरे प्यार पर आप इसलिए यकीन नहीं कर सकते क्योंकि मैं गरीब माँ की बेटी हूं। बाबूजी, क्या गरीब होने से ही इंसान झूठा हो जाता है? उसकी हर बात, उसका प्यार सब झूठ हो जाता है। आंसुओं की हथियार मुझ पर मत आजमाओ, ये झूठे आंसू मैंने नाटकों में बहुत देखे। लड़की, तुम ये समझने की कोशिश करो कि तुम किस जमीन पर खड़ी हो और किस आसमान को छूना चाहती हो। जानती हो तुम किस खानदान की बहू बनने के ख्वाब देख रही हो? इधर देखो, इन तस्वीरों को देखो, ये मेरी दादी है, ये एक राजा की बेटी थी, ये मेरी मां है जो एक राजकुमारी थी, और ये है राजन की मां। और तुम चाहती हो कि एक दिन तुम्हारी तस्वीर भी इन देवियों के साथ लगाई जाए? क्या एक दिन तुम्हारा बेटा भी इसी शान और फख्र के साथ कह सकेगा, ये मेरी मां है? और इसके जवाब में अगर किसी ने ये कह दिया कि ये
जिसे हमने चारा न देकर किसी स्टेज पर नाच करते देखा तो तुम्हारा बेटा क्या जवाब देगा? बोलो, क्या जवाब देगा तुम्हारा बेटा? तुम औरत हो, तुम्हारे सीने में भी दिल तो होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इस खानदान को तबाह मत करो। इस शादी से ये घर, ये खानदान, खुद राजन तबाह हो जाएगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हें दौलत चाहिए ना, तो मैं देता हूं दौलत, खुशी से देता हूं, जितनी मांगो जितनी चाहो। आओ आओ आओ, लो लो ये सब ले जाओ और मेरे बेटे को छोड़ दो। झूठी जिद की वजह से ऐसा कह रहे हैं। तुम उसे एक झूठी जिद कह सकते हो राजेन, लेकिन मैं उसकी वो असलियत जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या है वो असलियत? यही, दरअसल उसका ताल्लुक उस शहर गोपाल के साथ जो इस थिएटर को चलाता। ये झूठ है। बहुत ऊंची आवाज में झूठ कह देने से सच्चाई झूठ नहीं बन जाती, ये सच है। बाबू जी उसे अपना गुरु मानती है और एक देवता की तरह उसकी इज्जत करती है, बस। राजेन, तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, मगर मैं आंखें होते हुए कैसे अंधा बन जाऊं? मैं आप लोगों के सलूक और प्यार को कभी नहीं भूल सकूंगी। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। गोपाल बाबू, मैंने थिएटर छोड़ने का फैसला कर लिया है, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हारे दिल को जरूर कोई ठेस लगी है बीना, बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। नहीं गोपाल बाबू, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दीजिए। तुम बैठो तो सही बेटा, वो थिएटर से आती ही होगी। नहीं माता जी, मैं उसे वहीं जाकर मिल लेता हूँ। राजन,
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी लायक नहीं। तो तुम भी वही बातें करने लगी जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। बीनी, हमारी शादी कोई मामूली शादी नहीं, ये दो प्यार करने वालों का मिलाप है, उनका मिलाप है जिनके दरमियान मौत भी दीवार नहीं बन सकती। तो क्या आज उनके दरमियान ये खानदान, ये ऊंच नीच की मामूली दीवारें हायल हो सकती? नहीं बीनी, नहीं। याद रखो, अगर बाबूजी के शालीशान महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तो उस महल की, उस खानदान की मुझे भी कोई जरूरत नहीं। बीनी, मुझे कोई जरूरत नहीं। हम दोनों कहीं और रह लेंगे, किसी झोंपड़े में, कहीं जंगल में, कहीं भी। दुनिया बहुत बड़ी है बीनी, बहुत बड़ी है। नहीं राजन, मेरी खातिर इतनी कुर्बानी की जरूरत नहीं। ये कुर्बानी नहीं बीनी, मैं तो इसे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान समझता हूँ। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है राजन, तो ये मेरा भी इम्तिहान है। जरा सोचो तो सही, तुम्हारे लिए बाबूजी का प्यार मेरे प्यार से किसी तरह कम नहीं। जिस बात का एकमात्र सहारा तुम हो, जिनकी आंखों की रोशनी तुम हो, अपने सुख की खातिर तुम्हें उनसे जुदा करके उनकी दुनिया अंधेरी कर दो, अपने प्यार की खातिर उनका प्यार लूट लो। नहीं राजन, नहीं, इससे दुनिया में प्यार का नाम ऊंचा नहीं होगा। तुम प्यार को बदनाम मत करो राजन, मुझे भूल जाओ और मुझे जाने दो। जाना चाहती हो? हाँ। मुझसे दूर? हाँ। और वहां जाकर मुझे भूल जाओगी? कोशिश करूंगी। और फिर भी ना भूल सकी तो मैं तुम्हारे प्यार को अपने सीने में दबाकर इस दुनिया से चली जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो ठीक है, चली जाओ, मुझे भी उस दुनिया का रास्ता आता है बीनी, मैं भी मर सकता हूं। हाँ बीनी, वरना तुम क्या समझती हो, तुम्हारे बाद मैं इस दुनिया में पागलों की तरह खाक छानने के लिए जिंदा रह जाऊंगा? प्यार ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया राजन, अब भगवान के लिए तुम मेरा मरना मुश्किल ना करो। बीना, अगर जीना है तो एक साथ जिएंगे, और अगर मरना तो भी साथ। बाबूजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजेन, इतना मैं शादी की इजाजत देता हूं। बाबूजी, मगर मेरी एक शर्त है, इस लड़की को यह वादा करना होगा कि आज के बाद वो जिंदगी भर इस शहर गोपाल का मुंह नहीं देखेगी। बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं, मैं बीना के सामने ऐसी कोई भी शर्त रखने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये शर्त नाजायज है बाबूजी, इस शर्त की तय में एक शक, एक शुबा छुपा हुआ है, और मोहब्बत करने वाले शक नहीं करते। राजेन, नहीं बाबूजी, आप दुनिया की झूठी बदनामी के डर से ऐसी शर्त पेश कर रहे हैं, मगर मैं किसी बदनामी से नहीं डरता बाबूजी, इसलिए मैं उसको कोई भी ऐसी शर्त मंजूर करने के लिए नहीं कह सकता। मगर मुझे ये शर्त मंजूर है। बाबूजी, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं गोपाल बाबू से मिलने की बात कभी सोचूंगी भी नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपके खानदान को धब्बा लगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए।
युक्ति रो बेटी सुहाग बनती हो। नजरियों से दिल भर दूंगी, छूने न दूंगी मैं हाथ दे, नजरियों से दिल भर दूंगी, बैठी रहूंगी सारी रात दे, नजरियों से दिल भर दूंगी। बीना देवी, शादी मुबारक, तुम हमेशा खुश रहो। गोपाल बाबू, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है, मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद मेरी? बोलो बीना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें और उसकी वजह मत पूछिए। गोपाल साहब जी, बस उधर ही देखते रहोगे? हाँ हाँ, देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना। दिल की हसरत न कभी दिल से निकलने दूंगी, प्यार का कोई भी जादू को न चलने दूंगी, इश्क की आग बड़ी तेज है हमने माना, दिल के मोती को मैं हरगिज न पिघलने दूंगी। दक्षिणा पुरोहित की, ये लीजिए सारा जेवर डाला है, लड़की को पहनाया है, ये पुराना हा, हा, पुराना हा। क्यों पुराना हा? क्योंकि पुराने में ही असली सोना हा हा हा, हा। ससुर जी, अब हम दोनों फेरे ले? हा हा हा, जवाई जी जरा ठहरिए, ससुर जी को दहेज तो दीजिए जो वायदा किया था। पंडित जी, इन दोनों से भगवान की आरती कराइए, मैं अभी आता हूँ। लेकिन ससुर जी। बेटा तुम आरती करो, मैं अभी आता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शंकर गौरीशम, वंदे गंगाधरमीशम, शंभो हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, शंभो ओम भोलेनाथ, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे जीवन, मेरा रुपया सब गायब, धोखा धोखा, बदमाश बेईमान,
मेरा जूता मेरे सर पे मार दिया, मेरे जेवर पहना के मेरी लड़की भगा के ले जाना। कोई बात नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, 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 ये शादी नहीं हो सकती। बापू आ गया, उसके यहाँ आने से पहले हम लोग सात फेरे ले लेते। चलो बेमान धोखेबाज, सात हो गए, सात पूरे हो गए। नमस्कार ससुरा जी। मैं नहीं मानता ससुरा जी, मैं नहीं मानता ससुरा जी, नहीं मानता, नहीं मानता। क्या करते हो बापू, हमें आशीर्वाद दो ना। आशीर्वाद किसे, इस लफंगे बेमान को? हटो ना बापू, अभी मेरे पति है। अभी तक शादी नहीं हुई, पति कहाँ से हुआ? कैसे नहीं हुआ, हमने तो 100 मील की स्पीड से पूरे सात फेरे लिए है, ये सब गवाह है। तुम्हारे पंडित ने भी देखा है और भगवान ने भी देखा है। मगर मैंने नहीं देखा, मैं नहीं मानता। अजी नंबरदार जी, ये बात अच्छी नहीं है, अपने हाथों शादी की पूजा करा के। तुम चुप रहो पंडित जी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, ये आदमी चोर है, झूठा है, मेरी ही जेवर चुरा के मेरी लड़की से शादी कर रहा है। मैं इसे पुलिस में ले जाऊंगा, कैद कराऊंगा। चलो चलो। ओहो धीरे बोलो, तुम्हें पुलिस में जाना है ना? हाँ। तो चलो थाने, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाऊंगा। तू क्या मेरी रिपोर्ट लिखवाएगा? मैं बताऊं मैं तुम्हारी क्या रिपोर्ट लिखवाऊंगा? हाँ। अभी अभी आपने कहा कि मैंने आपका खजाना चोरी किया। हाँ हाँ चोरी किया। आपका खजाना कहाँ है? घर पर। घर पर किधर? घर पर यानी घर पर। मेरा मतलब है जमीन के ऊपर है या जमीन के नीचे? नीचे। यही तो रिपोर्ट लिखवानी। हाँ। जो माल जमीन के ऊपर है वो आपका है, लेकिन जो खजाना जमीन के नीचे दफन है वो सरकार का माल है। यही कानून है। यही कानून है। अब चलो थाने। ओ डोंट टच मी। नहीं जी। नहीं। ओ जी। यस। पापा को क्यों परेशान करते हो? तो फिर वो हमारी शादी क्यों नहीं मंजूर करते हैं? बेटा कौन नहीं मंजूर करता, शादी तो हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ, ससुर जी। वाह गोपाल बाबू, बड़े होशियार हो, बीना की शादी एक बड़े घराने में करा दी है और अब भी उससे चोरी चोरी मुलाकातें कर रहे हो। रतनलाल, तुम एक शरीफ घराने की बहू पर कीचड़ उछाल रहे हो। चिल्लाने से तुम मेरी जुबान बंद नहीं कर सकते। याद रखो, मैं तुम्हारी इस चाल को नाकाम कर सकता हूं, उस लड़की को बदनाम और बर्बाद कर सकता हूं। रतनलाल, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह देता हूं कि अगर तुमने उस लड़की की शान में एक लफ्ज बेहुदा कहा या उसे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, खून। अच्छी बात है, तुमने मेरी दोस्ती को ठुकराया है, अब मेरी दुश्मनी के लिए तैयार रहना। जो तुम्हारे दिल में आए कर लेना, लेकिन अगर तुमने उस लड़की की तरफ आंख भी उठाई तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझे? शायद टायर पंक्चर हो गया है, देखता हूं। हाँ बीनू, टायर पंक्चर हो गया है, मैं कहीं से टेलीफोन करके घर से दूसरी गाड़ी मंगवाता हूं। जल्दी आना। अभी आता हूं। मां जरा माचिस तो देना।
किसी का इंतजार कर रही हैं? अरे नहीं यार, इनका टायर पंचर हो गया है, देखो। ओ, तो मैं आपको टैक्सी ला दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो हड़तालियों का कोई बड़ा जुलूस आ रहा है। सुनिए, बहुत हजूम इकट्ठा हो रहा है, यहाँ बैठे रहने में खतरा है, बेहतर है उस तक चली जाओ। सुनिए, यहाँ खतरा है, आप अकेली मत रहिए। अभी तक यही खड़ी हो, इस फसाद में कुचली जाओगी। मैं कहता हूँ इस भीड़ भड़क्के से निकलकर कहीं उधर को चली जाओ। जाओ जाओ जाओ, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? अरे बाबा, धक्का कौन दे रहा है, मैं तो तुम्हारे भले की कह रहा हूँ। अगर इस बाजार से तुम निकल गए तो तुम्हारा ही बचाव होगा। इधर नहीं भाई, उधर जाओ, उधर भीड़ नहीं है। इस घर में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सुबह तक कोई बाहर ना निकले, यहां भीड़ जमा ना करो, फौरन अपने अपने घर चले जाओ। जाओ यहां भीड़ जमा ना करो, फौरन अपने अपने घर चले जाओ। जाओ चले जाओ यहां से, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जाने दीजिए मुझे। तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं गोपाल बाबू, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। पर मैं तुम्हें कैसे जा दे दूँ? नहीं। कहाँ जा रही हो, वापस जाओ। नजर में सुनते रहे, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, अंदर चले जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। आपकी यहाँ टेलीफोन है, मैं घर पे फोन करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, घरवाली करके मुझे बाहर जाने की इजाजत दी जाए, उस भीड़ में मेरी बीवी गुम हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे बहुत अफसोस है, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और हम इस वक्त किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे सकते। वो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरी बात तो लाओ मुझे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राय बहादुर गंगासरन बोल रहा हूँ। देखिए, हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है इस वक्त, हो सकता है मेरी बहू की जान खतरे में हो। मैं ये मजबूर है, देखकर भी आगे लगना है। राम, इन दिनों में गर्भवती है, जाने बेचारी किस परेशानी में होगी। बेटा, तू स्टेटर में ही फोन करके देख, कहीं भीड़ से बचने के लिए वहां न चली गई हो। ये क्या कह रही हो सुखिया, तुम जानती हो बहू रानी कभी उस थिएटर में पांव भी नहीं रखेंगी। पर बीना, मैं तुम्हें इस वक्त कैसे जाने दूं, शहर में फसाद हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस गोली मार देगी। भले ही पुलिस गोली मार दे, मगर आप नहीं समझते मेरा यहाँ रहना कितना खतरनाक है। मैं सब समझता हूँ बीना देवी, मेरे घर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं, मगर हालात की मजबूरी है, मैं अपने जीते जी तुम्हें कैसे इस खतरे में डाल दूं। कुछ भी हो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसे जाने दीजिए।
तो क्या तुम मुझ पर शक करती हो? नहीं गोपाल बाबू, ये बात नहीं। ये बात नहीं तो फिर जो मैं कहता हूँ वो करो। इस कमरे में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। वहां चली जाओ और दरवाजा बंद कर लो। बंद कर लो। पैसे भी चाहिए? किस बात के पैसे? मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं दूंगा। ऐसे ये बात ठीक नहीं है। मेरे आदमियों ने मेहनत की, लड़की का पीछा किया, उसे उठा के मिला रहे थे। अब अगर रास्ते में कर्फ्यू लग गया, पुलिस आ गई, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर है या नहीं, मैं इस तरह पैसे नहीं दूंगा। ऐसे फिर से सोच लो, अगर मैंने उन लोगों के पैसे नहीं दिए तो वो जमाना बहुत खराब है। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। धमकाता कौन है? तुम तो बेफलील हमारे मुंह लग रहे हो। एक माल ढीला करो माल, हम धंधे का बहुत सख्त आदमी है। तो तुम जो नहीं जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे जाओ। निकल जाओ वरना। बीना देवी, कर्फ्यू खुल गया है, अब तुम घर जा सकती हो। ड्राइवर जरा ठहरो, गाड़ी वापस ले चलो। रहने दो ड्राइवर, सीधे चलो। हो रही है बाबूजी। बीनू, ओ बीनू, तुम कहाँ खो गई थी? मुझे अफसोस। कहाँ थी बहू? अच्छी तो हो गई थी, कहाँ नहीं रात भर। बाबूजी, एक भले आदमी ने मुझे सहारा दिया बाबूजी। भगवान उसका भला करे, भगवान उसका भला करे। बेटी आ, आ। तुम तो शायद रात भर सोई भी नहीं हो, जा थोड़ा आराम कर लो। क्या बात है? बोलो, ये क्या कर रही हो तुम? बात क्या है? भगवान ना करे मुझे फिर कभी इस तरह तुमसे दूर रहना पड़े। तुम नहीं जानते कि एक औरत के लिए पति से अलग रहना कितना मुश्किल होता, कितना मुश्किल होता। अगली, चलो आराम कर लो। आप ही मिस्टर गोपाल हैं? जी हाँ, मैं गोपाल हूँ। यही वो आदमी है? जी हुजूर। कल आपका सेठ रतनलाल से झगड़ा हुआ था? जी। एक औरत के बारे में? जी। और उसके लिए आपने सेठ रतनलाल को कत्ल की धमकी दी? जी, लेकिन मिस्टर गोपाल, मैं आपको सेठ रतनलाल का खून करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। खून? सेठ रतनलाल का खून हो गया?
जी हाँ, मकान की तलाशी लो। साहब, ये शराब का बोतल मिला, रखो इसे। ये झुमका फर्श पर पड़ा मिला है। इन्हें थाने ले चलो। बहू की माँ आई है, वो ये मिठाई आपके लिए लाई। समधन जी आई है, तुमने हमसे कहा ही नहीं। जी अभी आई है। जीते रहो बेटा। समधन जी, आज इतने दिनों के बाद इस घर को पवित्र करने का ख्याल कैसे आ गया? जी ये बहू को अपने घर ले जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने आई है। क्यों? बहू की गोद हरी होने वाली है ना, इसलिए घर ले जाकर गोद भराई की रस्म करेंगे। तो ये रस्म तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। मगर ये रस्म तो हमेशा माँ के ही घर में होती है। तो क्या हुआ, ये भी तो आप ही के घर है। देखिए, जब से राजन बड़ा हुआ है, इस घर में कोई बच्चा नहीं खेला। अब 20 वर्ष के बाद भगवान फिर इस घर पर कृपा करने वाले हैं, तो इसकी हर रीत हर रस्म इसी घर में करना चाहता हूँ। बस इस बूढ़े की ये तमन्ना पूरी कर दीजिए। तो जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, मुझे कचहरी जाना है, तो मैं रास्ते में दफ्तर छोड़ दूंगा। आओ। माँ, बेटी। बाबूजी, आप कोर्ट में कहीं जा रहे हैं? अरे बेटा, एक कत्ल का मुकदमा है, मैं ज्यूरी का फोरमैन हूँ। अरे बहू, माँ को अपने कमरे में ले जाओ, और देखो आज खाए पिए बिना मत जाने देना ही नहीं, ये कभी कुछ नहीं खाती है यहाँ। अच्छा बाबूजी। मिलॉर्ड और मेंबर आने जूरी, ये वही औरत शराब और कत्ल की कहानी है। इस मुकदमे में भी खून एक औरत की वजह से किया गया है। शहादतों से पता चलता है कि उस रोज दिन के वक्त मकतूल रतनलाल और मुलजिम गोपाल के दरमियान एक औरत के बारे में झगड़ा। इस बात की शहादत भी मौजूद है कि उस रात मुलजिम गोपाल शराब पीता रहा। इसके अलावा दूसरे दिन तलाशी लेने पर मुलजिम के कमरे से पाया गया झुमका इस बात का सबूत है कि उस रात मुलजिम गोपाल के घर में कोई औरत भी थी। मिलॉर्ड, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मुलजिम इस बात से इनकार नहीं करता कि उसने एक औरत की खातिर सेठ रतनलाल को कत्ल की धमकी दी। मिस्टर गोपाल, क्या तुम अदालत को यह बता सकते हो कि वो औरत कौन है जिसकी खातिर तुम्हारा सेठ रतनलाल से झगड़ा हुआ? हजूर, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। तुमने पहली अदालत में बयान दिया है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त तुम अपने घर में थे। जी हजूर, जिस रात कत्ल हुआ उस रात शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, और कर्फ्यू शुरू होने से कर्फ्यू खत्म होने तक मैं अपने घर पर ही था। इसका कोई सबूत? जिस औरत का झुमका मिला है, क्या वो औरत भी उस कर्फ्यू की रात तुम्हारे घर पर थी? हुजूरे वाला, अगर अदालत की इजाजत हो तो मैं ज्यूरी की तरफ से मुलजिम से कुछ पूछना चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया। मिस्टर गोपाल, किसी औरत के साथ आपके क्या ताल्लुकात? हमें इससे कोई गरज नहीं। ज्यूरी सिर्फ ये जानना चाहती कि आपने सेठ रतनलाल का खून किया है या नहीं। देखिए, अगर उस कर्फ्यू की रात
आपके घर में कोई औरत थी तो आपको अदालत में बता देना चाहिए कि वह औरत कौन थी, क्योंकि अगर वह औरत ये गवाही दे सके कि कर्फ्यू की रात वो आपके साथ आपके घर में थी तो आप बेगुनाह साबित हो सकते हैं। सेठ रतनलाल के खून का मुकदमा, अदालत में एक लड़की के बारे में सनसनी, वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है। लड़कियों, बहू को मेहंदी लग चुकी तो जाकर फूलों के हार बना। सास को प्रणाम कर बेटी। अच्छा बेटी, तू बैठ, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हूँ मां? तेरे लिए कुछ लाने, कोई तोहफा? बेटी, भगवान ने तेरे घर में ऐसी कोई कमी नहीं रखी जो मेरे तोहफे से पूरी हो सके। मैं तो एक गरीब माँ हूँ, मंदिर जा रही हूँ ताकि भगवान के चरणों से तेरे लिए थोड़ा कुमकुम ले आऊं। बीनू, अरे ये देखा तुमने अखबार में क्या छपा है? क्या? वो तुम्हारे थिएटर का डायरेक्टर गोपाल था ना, उसने किसी का खून कर दिया है। खून? हाँ। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। मगर सारा किस्सा अखबार में छपा है, तुम खुद पढ़ लो। अरे वाह, आज घर में खुशी का दिन है और तू ऐसी खबरें सुना रहा है, कत्ल की, खून की। जा जाकर दफ्तर में अपना काम कर। अच्छा बाबा, जाता हूँ। अच्छा जी। मेंबराने जूरी, अदालत में आप तमाम गवाहों के बयान सुन चुके हैं, अब आपको उन वाकयात के बिना पर अपनी बेलाग राय कायम करनी होगी कि मुजरिम गोपाल सेठ रतनलाल का कातिल है या नहीं। अब आप साहिबान अपने फैसले के लिए ज्यूरी रूम में जा सकते हैं। बैठिए। दोस्तों, अदालत ने मुलजिम को हर तरह से अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया है, मगर वो शख्स सीधे साधे सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है
वो महज अपनी खामोशी से हमारे दिलों में एक हमदर्दी पैदा करना चाहता। आप ठीक कहते हैं जी। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि आप सब मेरी इस राय को मानते हैं कि मुलजिम गोपाल सचमुच खूनी है। जी हाँ। नहीं, वो बेगुनाह है। राजन साहब दफ्तर में है, मैं घर से उनकी पत्नी बोल रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं है, मुझे रास्ता दिखाओ माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं, आज मेरे सामने एक ऐसे इंसान को फांसी दी जा रही है जिसे मैं जानती हूँ वो बेगुनाह है। बताओ माँ, इन हालात में मेरा क्या धर्म है? आप मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या राजन साहब आ गए? नहीं, जो अभी गर्भ में है उसे बचाने की तुम्हें इतनी चिंता है, तो क्या एक मासूम इंसान की जान बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं? तुम्हारे एक लफ्ज से वो फांसी के तख्ते से बच सकता है। डरो मत, औरत का धर्म रक्षा करना है, अपने धर्म का पालन करो। क्या सोच रही हो? क्या ज्यूरी किसी फैसले पर पहुंच गई है? जी हुजूर वाला। क्या सबका एक ही फैसला है? जी हुजूर। वो फैसला क्या है? हुजूर वाला, ज्यूरी इस मुकदमे के हर पहलू पर गौर करने के बाद एक राय से इस फैसले पर पहुंची है कि मुलजिम गोपाल ही सेठ रतनलाल के खून। ठहरी, तुम यहां? मुझे क्षमा करना बाबूजी। जज साहब, मैं इस मुकदमे के बारे में एक जरूरी बयान देना चाहती हूँ। बीना, ऑर्डर। ये क्या कर रही हो बहू? ऑर्डर प्लीज। तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? मैं राय बहादुर साहब की बहू हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोपाल बाबू बेगुनाह है, इन्होंने ये खून नहीं किया। मिलॉर्ड, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। मुकदमा खत्म हो चुका है, अब किसी को बयान देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत अपने खास इख्तियारात से इसे बयान देने की इजाजत देती है। कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? जज साहब, मुझे यही कहना है कि गोपाल बाबू बेगुनाह है, इन्होंने ये खून नहीं किया। कर्फ्यू की जिस रात से रतनलाल का खून हुआ उस रात गोपाल बाबू अपने घर पे मौजूद थे, मैं ये बात जानती हूँ जज साहब। मगर ये बात तुम कैसे जानती हो? जी उस रात मैं इनके घर पे मौजूद थी। नहीं नहीं हजूर, ये झूठ है। नहीं जज साहब, ये सच। उस रात कर्फ्यू लगने से पहले मैं इनके घर में दाखिल हुई और सुबह कर्फ्यू खुलने तक मैं वहीं पर थी। कर्फ्यू की रात तुम मुजरिम के घर पर थी, इस बात का क्या सबूत है? सबूत है जज साहब, मेरा ये झुमका जिसकी जोड़ी का दूसरा झुमका अदालत में मौजूद है। चार दफार को छोड़ दिया गया, अदालत में बहू और ससुर का ड्रामा। महाराज बार चार दफार के घर पर थी, एक्ट्रेस बीना देवी ने इकरार कर लिया। अदालत में बहू और ससुर का ड्रामा, बड़े खानदान का पोल फूट गया। क्या? नहीं, राजन, अब कुछ कहने की कोशिश मत कर, बस चले जाओ यहां से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो राजन, मैंने कोई बात नहीं किया, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कहना सुनना सब खत्म हो गया।
अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से कहाँ चली जाऊँ? इस घर के सिवा दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं राज। तुम चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ मार दो, मुझे अपने हाथों से गोली मार दो। मैंने उसी दिन तुम्हें सारी बात नहीं बताई, इसका मतलब यही सजा है कि मुझे गोली मार दो। बीना देवी, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। मैंने तो तुमसे प्यार किया है, सचमुच प्यार किया है, मगर तुम जैसी औरत से प्यार करना भी पाप। उस पाप की सजा मैं तुम्हें नहीं, अपने आप को दूंगा, इस दिल को दूंगा जिसने तुमसे प्यार किया। नहीं राजन। खबरदार, जो आगे कदम बढ़ाएगा मैं अपने को गोली मार दूंगा। चली जाओ, चली जाओ। मैं चली जाती हूँ। और याद रखो, अगर फिर तुमने कभी मेरे सामने भी आने की कोशिश की तो मुझे नहीं मेरी लाश को ही पाओ। नहीं आओगे। घबरा नहीं बेटी, तूने कोई पाप नहीं किया, भगवान तेरी सहायता करेंगे। क्यों आया यहाँ? राय बहादुर, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप एक देवी के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर मत बोलो वरना गोली मार दूंगा। अगर मेरे खून से एक मासूम का कलंक धोया जा सकता है तो मार दो गोली, मगर मगर मेरी बात पर विश्वास कीजिए राय बहादुर। चले जाओ, चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरी बात सुननी होगी आपको राय बहादुर। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपकी बहू एक देवी है। हाँ, वो देवी है, तुम देखता हो। निकल जाओ, चल जाओ यार, निकल जाओ। राय बहादुर, निकल जाओ। राय बहादुर, निकाल दो इसे, दूर कर दो इसे मेरी आंखों से। इसमें किसी का दोष नहीं चमेली, दोष तो मेरा ही है। उसी दिन मुझे अपने पति को सारी बात बता देनी चाहिए थी, पर मैंने सोचा कि इससे खामखा उनको और बाबूजी के मन को तकलीफ होगी। ये मेरी गलती थी और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। पर ये सब कैसे हो गया? तुम उनके घर में गए कैसे? मुझे नहीं मालूम था कि वो उनका घर है। मैं तो भीड़ से बचने की कोशिश कर रही थी और फिर दो गुंडे भी मेरे पीछे लगे हुए थे, सो मैं घबरा के उसी घर में चली गई। हनी, हनी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हनी, तेरे मालिक गुस्सा करेंगे। जा हनी, मैंने तेरे मालिक को बहुत दुखी कर दिया है, उनका ख्याल रखना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। तू जा, जा। इधर कहाँ गया? बोल कहाँ गया था? उसके पास गया था ना? क्यों गया था? अभी फिर जाएगा ना? मुझे गोली मार, गोली मार। Thank you.
बताती हूँ। तुम्हें सच कहता है दोस्त, इसके पीने से भी कुछ नहीं होगा। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हमने जफा न सीखी, अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम। बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए हम। किससे करें शिकायत, अब किसकी दे दुहाई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हमने जफा न सीखी, दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ। दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ। क्या प्यार का जहाँ में बदला है बेवफाई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई। हमने जफा न सीखी। क्या हुआ बेटी? माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ हुआ है। ऐसा क्यों सोचती है बेटी? कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ मालिक, क्या हो गया? कुछ नहीं मालिक, हम ले जाएंगे। हट जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जी मेरे लाल,
राय बहादुर, राय बहादुर, ये मैं क्या सुन रहा हूं यार? क्या ये सब ठीक है? बाल भाई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ओ, कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। ओए राय बहादुर, तुम बहुत नरम दिल आदमी है। खुदा का कसम, अगर वो औरत हमारा बहू होता हम उसी वक्त उसको गोली मार देते। मत रो मेरा भाई। अगर तू इस तरह ढल्ला बैठ के खाता पीता रहा तो कैसे होगा? तो तुम क्या चाहती हो मां? तो आज से खाना छोड़ दूं। बातें बनानी तो खूब आती है। सुनो, मालूम होता है उस रात बिचारी बीना दो गुंडों के पीछा करने पर बगैर जाने शहर गोपाल के घर चली गई। अच्छा, तो फिर मैं गोपाल से क्यों ना मिलूं? शायद वो जानता हो वो गुंडे कौन थे। क्यों भाई, यहाँ कोई बांके रहता है? बांके? हाँ बांके। नहीं नहीं, यहाँ कोई बांके नहीं रहता। जाओ जा जा। अरे भैया, यहाँ बांके को कहाँ ढूंढ रहे हो? बांके साके यहाँ कोई नहीं है। बोलो दो। कौन है? बांके को कौन पूछ रहा है? बांके, तुम क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? बांके, मैं तुमसे मदद लेने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कातलों की मदद नहीं कर सकता। जा जा यहाँ। बांके, मगर बांके, अरे तुम से कहा ना, जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस मुझ पर शक करेगी। जमाना बहुत खराब है। मगर बांके, मैं कातिल नहीं हूँ। मुझे अदालत ने भी बेगुनाह साबित किया। अदालत के बेगुनाह साबित करने से क्या होता है? सारी दुनिया जानती है कि रतनलाल का खून तुमने किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जाओ। बांके, मैं अपने लिए तुमसे कुछ मांगने नहीं आया। तो फिर किसके लिए आए हो? एक मासूम की इज्जत के लिए। बांके, राय बहादुर ने अपनी बहू पर गलत शक करके उसे घर से निकाल दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? जो रात रात भर तुम्हारे घर पर रहेगी, उसे घर वाले निकालेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे? ये सच नहीं है बांके। तुम जानते हो कि वो अपनी मर्जी से मेरे घर में नहीं आई थी। उस रात मैंने खुद तुम्हें उसका पीछा करते देखा था और उसने तुम लोगों से जान बचाने के लिए मेरे घर में पनाह ली थी। बांके, अगर इतनी सी बात तुम राय बहादुर से सच सच कह दो तो उस मासूम और बेगुनाह की जिंदगी बच सकती है। बाकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हा 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 हा, अपनी बला मेरे गले डालना चाहते हो? आज ये मनवाने के लिए आए हो कि रतनलाल के कहने से मैंने उसका पीछा किया, कल ये कहोगे कि रतनलाल का खून भी मैंने किया। मुझे फंसाना चाहते हो? बाबू, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला हूं। चलो सोजू, चलो, हमें काम से जाना है। नहीं बाकी, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसका पीछा करते देखा है और तुम्हें ये बात कबूल करना होगी। राय बहादुर साहब, मेरी सुनिए तो सब तकलीफों का एक ही इलाज है। क्षमा कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात है। अगर आप अपने बेटे की भलाई चाहते हैं तो उन दोनों को फौरन शहर से बाहर निकाल दीजिए और राजन का ब्याह किसी अच्छे खानदान में कर दीजिए। आपका मतलब है वो माँ बेटी अभी तक किस शहर में है? आपको अभी तक मालूम ही नहीं? सारी दुनिया हंस रही है साहब। राम राम। बहादुर साहब, आपका पड़ोसी होने के नाते मुझसे तो ये बदनामी सही नहीं जाती। सुना है गली बाजार जिधर से भी गुजरो, वो दोनों अब भी अपने को राय बहादुर की संधन और राय बहादुर की बहू कहलाती फिरती। छे छे। सुन लो, जो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम मेरे खानदान की इज्जत इस तरीके बाजारों में उछालती फिरो। राय बहादुर की बहू, राय बहादुर की संधन बनकर गली गली पीछे पीछे मेरी हंसी उड़ाती फिरो। मगर हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की राय बहादुर जी, बल्कि आपकी बहू तो घर से बाहर भी नहीं निकली। उसे मेरी बहू मत कहो। तुम मेरी बहू नहीं है, सिर्फ मेरी इज्जत बड़ी दाग है। वो मेरी बहू कहलाने की कभी हिम्मत न करे और यहाँ से, इस घर से, शहर से चली जाए, निकल जाए। राय बहादुर, जिस इज्जत की इतनी जोर से दुहाई दे रहे हो, वही इज्जत दूसरों के भी करना सीख।
को। ना, हट जा बेटी। आज अपनी दौलत के जोर पर आप एक बेटे को उसकी माँ के घर से निकालने आ रहे हैं, मगर ये आपका महल नहीं है, जहाँ से जब चाहे आप उसको निकाल दे। ये उसकी माँ का घर है, यहाँ से उसे कोई नहीं निकाल सकता। मैं कहती हूँ मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना। माँ, तुम्हें बाबूजी से ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, और वो मेरे घर में आकर मेरी बेटी को जो जी में आए कह सकते हैं। तेरी बेटी को नहीं माँ, वो अपनी बेटी को कह रहे हैं। तुम्हीं ने तो कहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हारी नहीं, इनकी बेटी होगी हूँ। बाबूजी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मैं आज ही शहर से चली जाऊंगी, और अगर मेरे बहू कहलाने से आपके खानदान को धब्बा लगता है, तो मैं वादा करती हूँ कि अपने मुंह से कभी आपके खानदान का नाम नहीं लूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? माँ, अब मैं क्या करूँ? वो देख बेटी, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है। चल चल, धीरे धीरे वहां तक पहुंच जा। है जरा, आ जा, आ जा बेटा, आ जा। बीना, बीना, माँ, बीना बेटी, बीना, थोड़ा धीरे धीरे बेटी, अब पहुंच गए, पहुंच गए। मालिक, मालिक, क्या है? हुजूर, गाड़ी के दरवाजे पर एक औरत बेहोश हो गई है, साथ उसकी माँ है, दोनों हिंदू दिखाई देती हैं, बहुत परेशान है हुजूर। ओहो, इसमें पूछने का क्या बात है? कोई भी हो, कर दो पाठक। बेचारी मुसीबत में मालूम होती है, अमजद की माँ। जी, क्या बात है? हमारा गाड़ी के दरवाजे पर दो हिंदू औरत आया, सुना है एक को बहुत तकलीफ, तुम खुद जाकर उनका मदद करो, लाकर उनको मेहमान खाने में ठहराओ, जाओ जल्दी जाओ। जी बहुत अच्छा। नसीब, मेहरू आई, बेगम साहबा। नसीब, जरा देख दो, अभी तक दाई क्यों नहीं आई? देख जा बेटी, देख जा। बेगम साहबा, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, जा जा। लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। बाबा बाबा, उनका लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। लड़का हुआ, खुदा का लाख लाख शुक्र, मोटा है, तगड़ा है। अजी, लड़का क्या है, बल्ला चांद का टुकड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कुदरत का खेल। वो कौन है, हम कौन, उस लड़के को क्या मालूम था कि वो शेरगढ़ी में पैदा होगा, ये भी खुदा का इच्छा है। अमजद का मां, हम समझता है कि दुनिया में वो गरीब लोग का कोई भी नहीं, वो लोग को जल्दी मत जाने देना। देखो, हर तरह से उनका आदर कर, शेर खान का मेहमान नवाजी पर आज नहीं आना चाहिए। बेफिक्र रहिए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। और तभी तो हम तुम्हारे साथ शादी बनाया था। जोशी जी, जी, उस पगले राजन को शादी के लिए मनाना ये आपका काम है। पंडित जी, आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जोशी जी, आप इतना डरते क्यों हैं? आपने पढ़ा नहीं, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। पंडित जी, जी, वो पुस्तक हमने तो पढ़ी है जी, परंतु इस कुत्ते ने नहीं पढ़ी। ये भी सत्य है, परंतु हिम्मत कीजिए, चलिए। पहले आप, पहले आप, पहले आप। कोई कोई बात नहीं, नहीं बस। आप बिराजी, मैं अभी आता। राय बहादुर साहब हैं? अभी आते ही होंगे। कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं। इन्हें जानती हो? बड़े मशहूर राज्य जोशी हैं।
अपने राजन की कुंडली मिलाने आए हैं। ये कुत्ता बड़ा खतरनाक है। पंडित जी, कुछ आदमी इस कुत्ते से ज्यादा खतरनाक है। जोशी जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पंखा चलाता हूँ। कोई बात नहीं। गोविंद, पधारिए पधारिए। नमस्ते नमस्ते। आप ही? हम ही। हमने तो देखते ही पहचान लिया था कि आप ही हैं। ओ जोशी जी, आप आपने बहुत ठीक पहचाना कि मैं ही राजन। बैठिए, जरा हाथ तो देखिए। हाँ हाँ, मंगल है। अरे ओ जोशी जी, हनी, ये बहुत बोलते हैं। हाँ तो ज्योतिष जी, जरा मेरी किस्मत का हाल तो कहिए। अजी कहूं क्या, ये तो एक करोड़पति का हाथ है। वो तो कुत्ते से खेल रहे हैं, आप कहिए ना। जी, आपने एक कन्या से प्रेम किया। शाबाश, आगे कहिए महाराज। आपने एक नाटक वाले से विवाह किया, परंतु उसने आपको धोखा दिया। क्या हुआ? आप बहुत जोर से तारीफ करते हैं। जब भी मैं खुश होता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ। मैं हूँ जोशी के बच्चे। नौकर को मालिक बना रहा। अरे तूने मेरे धंधे का सत्यानाश कर दिया। तू मूर्ख है, तू महामूर्ख, तू महामूर्ख, तू महामहामूर्ख। कैसी तबीयत है उसकी? हकीम जी ने कहा है डरने की कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ले फरीदा, ये जो तुम्हारे भाईजान आए हैं ना, ये चाय उनके लिए ले जाओ। जाओ। भाईजान, चाय तैयार है। तैयार है। आप लोगों को कैसे पता चल गया हमें सुबह उठते चाय पीने की आदत है? पता है, जब ही तुलाई हूँ। ला पी लेते। बैठ जाइए भाईजान। अच्छा बैठ जाओ। ये चाय किसने बनाई? मैंने बनाई है। झूठ बोलती है भाईजान, चाय आपा ने बनाई है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मेरी यार। अरे बैठ बेटा, बैठ। क्या हुआ बेटी? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ मुन्ने को? चाची, ये किसका बच्चा है? अभी आग में जल जाता था। हाँ अम्मी, भाईजान ने भागकर बचा लिया। अच्छा, कहाँ गई तेरी आपा? बस बस, वो देखो वो क्या है।
तुम लोग क्या करते हो? बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते? फरीदा, मुन्ने को अंदर ले आओ। नहीं नहीं, उन्हें खेलने लीजिए उसे। अब तो वो चुप हो गया। रहने दे फरीदा, वहीं रहने दे। अच्छा अम्मी, चलो भाईजान, मुन्ने के साथ खेलेंगे, खेलेंगे। हाँ हाँ, चलो खेलेंगे। बीना बेटी, देख मुन्ना क्यों रो रहा है। हाँ माँ। फरीदा, ओ बेटे फरीदा, बच्चे को मत रुलाओ बाबा, उसका माँ को दे दो। अच्छा बाबा। इधर तू आ। क्या हुआ? तू आ ना माँ, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते, यहाँ बहुत खतरा है। जानती हो किसकी जगह है? किसकी? खान चाचा की। कौन? वही माँ बाबूजी की दोस्त शेर खान है। फिर? फिर क्या, हमें इसी वक्त चले जाना चाहिए। चलो। पर बेटी, अब इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? जरा अंधेरा हो जाए फिर देखेंगे। हे भगवान, अब इस बेचारे की और कितनी परीक्षा लोगे? राजेन, मेरी एक बात मान लो, उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। अब जिंदगी में रखा ही क्या है बाबूजी? क्या नहीं रखा बेटे, तुम्हें किस बात की कमी है? अरे तुम तो एक राजकुमार हो, वो तुम्हें छोड़ गई तुम्हारी बला से, इससे दुनिया तो खत्म नहीं हो गई। बाबूजी, मेरे जख्मों को मत छेड़। मैं जख्मों को छेड़ता नहीं बेटे, उन पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देख देख देख, ये लड़की कितनी सुंदर, कितने अच्छे खानदान की है। बाबूजी, मेरे दिल में क्या है? क्या है? एक बड़ा खूबसूरत चोर। शायद कोई इधर आ रहा है। माँ, माँ ये तो अपना हनी है। हनी? यहाँ? हनी, क्या बात है हनी? क्या बात है हनी? माँ, ऐसा लगता है कुछ हो गया है। हनी, बता ना, वो अच्छे तो है ना? माँ, माँ, जरूर कुछ होगा, तुम उन्हें को संभाल, मैं देखती हूँ। राजन, राजन, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया तुम्हें? ओ राजन,
अल्लाह के इंसाफ, ये हमारा दोस्त कहे की बेटा, उसके घर का चिराग, आप खर्च का कोई फिक्र न कीजिए, इसको अचक कर दीजिए। इतना घबराने की जरूरत नहीं खान साहब, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, सिर्फ इसके दिल में कोई गहरा सदमा बैठा है। अगर आज रात ये आराम से सो गया तो इंशाल्लाह सुबह ताजा दम उठेगा। हकीम साहब, कोई डरने का बात तो नहीं है? वो नहीं, सब खुदा का फजल है खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बच्चे आ जाओ, सब आ जाओ, इसको आराम करने। खुदा तुम्हारा भला करे बेटी, तू नहीं जानती तूने किसे बचाया है। ये खान साहब के बचपन के दोस्त का लड़का है, बेचारा शहजादों की तरह पाला गया पर एक नाटक वाली से शादी करके जिंदगी बर्बाद कर बैठा। अच्छा? हाँ, नसीब की बात है। अच्छा चलो, तुम बच्चे वाले हो, जाके आराम करो। चलो बेटी। कैसे तबीयत है उसकी? हकीम जी ने कहा है डरने की कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। ले फरीदा, ये जो तुम्हारे भाईजान आए हैं ना, ये चाय उनके लिए ले जाओ। जाओ। भाईजान, चाय तैयार है। तैयार है। तू तो छोटा बेटा है। चलो तुमसे बैठ के खेलेंगे। शाबाश, ये तो बड़ा अच्छा बेटा, बड़ा छोटा छोटा है। अरे तू तो बहुत बड़ा है, ले बैठ जा। राजा बेटा, तू कौन है यार? इतने छोटे छोटे हूं, ये प्यारी प्यारी आंखें कहां से लाया है यार? तो देखता, मेरी बात समझता भी है या नहीं? समझता है? अरे तू हंसता है, हंस मेरे यार, हंस। उन्हें तेरी तरह एक दिन मैं भी हर बात पे हंसा करता था, मगर अब खैर, भगवान करे तू हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तेरी ये मुस्कान कोई न छीने कभी, और फूल की सेज सोए जवानी तेरी। मालिक से है ये दुआ, है ये दुआ, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा।
मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तुझको जो देखा वो दिन याद आने लगे, आँखों के बुझते दिए झिल मिलाने लगे। मैं तेरे जैसा ही था ऐसा ही था, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तू चल लाडले है बुरा ये जहां, बन सांप डसता है अपना ही साया यहां, बन सांप डसता है अपना ही साया यहां। हर कोई है बेवफा, है बेवफा, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। देख बेटे मेरी बात सुन, इस वक्त वो अकेला है, मैं फरीदा और अमजद को यहाँ बुला लेती हूँ, तू जा उसे मिल ले। जा बेटी जा, यही मौका है, जा। मैं कैसे जाऊँ माँ, तूने सुना नहीं वो अब भी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो उन्हें दो घड़ी अपने बेटे से खेलते देख रही, अगर मैं जाऊंगी तो इतना सुख भी नसीब नहीं होगा। बाबूजी उन्हें लेने आ गए। मैंने तुझे कहां कहां तलाश किया बेटे, खान भाई से सब कुछ चुका हूं, अब कैसे हो बेटे? ठीक हूं बाबूजी। शुक्र। ये बच्चा किसका है? हमारी आपा का मुन्ना है, वो सामने रहती है ना उनका। ओ, बड़ा प्यारा बच्चा है। लो फरीदा इसे इसकी माँ के पास ले जाओ। देखो रोना नहीं, रोना नहीं बेटा, बड़ा अच्छा बेटा। देख बेटा मेरे बाबूजी आ गए हैं, मुझे वापस जाना है, तू अपनी माँ के पास जा। शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा बेटा, राजा बेटा। जा फरीदा ले जा इसे। सोचता हूँ कि तेरी माँ की जगह मैं ही मर जाता तो कितना अच्छा होता। बाबूजी आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी? क्योंकि मैंने ही तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटे, ये जानते हुए भी कि वो लड़की तेरे काबिल नहीं, मैंने ये शादी मंजूर क्यों कर ली? अब तेरी जिंदगी बर्बाद करके जीने को जी नहीं चाहता। बाबूजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उस दिन तो आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे और आज इस तरह खुद जी छोड़ रहे। मैं क्या करूं बाबूजी, बताइए मैं क्या करूं? नहीं बेटे, अब मैं तुझे कुछ करने को नहीं कहूंगा, न मैं कहूंगा और न तू घर से भागे। बेटे
अब मुझमें ताकत नहीं रही कि तेरे पीछे पीछे भागता भी। अब मैं और कितने दिन जीऊंगा? आखिर इंसान हूं, एक दिन अचानक चला जाऊंगा। राजन, मेरी आंखें बंद होने से पहले मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है कौन बाबूजी? अच्छा बाबूजी, अगर आप चाहते हैं तो मैं शादी कर लूंगा। राजन, राजन ये पाप है, महापाप है। बीना एक देवी है, एक औरत पर ऐसा अत्याचार करोगे तो धरती से यह बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? जो उसने किया उसे धरती ने बर्दाश्त कर लिया, और जो मैं करूंगा वो धरती से बर्दाश्त नहीं। चाहे धरती फट जाए या आसमान टूट पड़े, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिसने ये वादा किया था, जब उसने मुझसे धोखा किया, तब ये धरती नहीं देख रही थी क्या? उस वक्त आसमान क्यों ना टूट पड़ा? तब ये धरती क्यों ना फट गई, क्यों ना खा गई? जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला है, जब उनका दिल टुकड़े हो रहा है तो तुम्हारी धरती के हजार हजार टुकड़े हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। बाबूजी, आप शादी का इंतजाम कीजिए। अनवर, अनवर जी खान साहब। और ड्राइवर को बोलो गाड़ी लेकर आओ, बरात का वक्त हो गया, हमको देर होता है। ना कोट लाओ। बाबा बाबा, आप कह रहे हैं वो गाड़ी छोड़ के चली जाएंगे, मुन्ने को भी ले जाएंगे, उन्हें रोक दो बाबा। क्या, गाड़ी छोड़ कर जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका उसने जान बचाया, आज उसका शादी है। ये खबर सुनकर तो उसको खुश होना चाहिए, और हमसे पूछो तो हम कहता है उसको शादी में भी जाना चाहिए। हम जबकि माँ जी वो तुम यहाँ है, जरा तुम चल कर उनको समझाओ, आओ मेरे साथ। बेगम, तुम इनको बोलो। तुम राय बहादुर कपूर? क्या? हाँ हाँ बेगम, ये राजन का बीवी है। राजन की बीवी? क्या ये सच है? हाँ हाँ, ये वही है। ताज्जुब, फरिश्ता के माफिक बहू के ऊपर वो लोग ने कैसे इल्जाम लगा? वो औरत जो देवी की तरह अपना खान का पूजा करता। बेगम, अगर इस औरत के ऊपर जुल्म होता रहा तो खुदा की कसम, खुदा का खुदा ही बर्बाद हो जाए। ओ मत रो मेरी बेटी, मत रो। तुम हमको पहले क्यों नहीं बताए? देखो बेगम, ये लोग का बराबर ख्याल रखो, हम अभी वापस आए। छोड़ दे मुझे। तुम्हें कहना पड़ेगा कि बीना देवी निर्दोष है। बाबू छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। भले ही मार डाल, लेकिन तुझे सच्चाई कहना पड़ेगा। किधर जाता है सालिम का बच्चा? छोड़ दीजिए मुझे। अरे आप कैसे छोड़ेंगे तुम? मैं कहता छोड़ दीजिए मुझे। ये जुल्म है। राजन, तुम घोड़े से नीचे उतरा, ये शादी नहीं होएगा। कान भाई, ये कैसा मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, और राय बहादुर तुम्हारा तकदीर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। आओ मेरे साथ चलो, और वहां चल के देखो, और चलो जल्दी करो, वक्त नहीं है। आओ बांके, बांके अब तो सच बोल दे। बांके, भगवान तेरे सब गुनाह माफ कर देंगे। बांके बोल दे। इंस्पेक्टर साहब, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं आपसे सब कुछ सच कहूंगा। रतनलाल का खून मैंने किया है, मैंने। अरे ये आदमी, बाके बाके, अब राय बहादुर के सामने कह दो, कह दो कि नहीं बीना देवी निर्दोष थी। बाके भगवान का रास्ता है, बाके तुम्हें तुम्हें भगवान का रास्ता है, सच कह दो। हाँ राय बहादुर,
ये ठीक है, मैंने ही उस दिन इनकी मोटर पंचर की थी। मेरे आदमी आपकी बहू को अगवा करने के लिए जा रहे थे और वो भाग रही थी। गोपाल बाबू का दरवाजा खुला हुआ था और वो बेचारी उसी में भाग गई। इतने में कर्फ्यू लग गया। ओए राय बहादुर, हम तुमको बोलता था कि बीना फरिश्ते की तरह मासूम है, तुम हमारा बात का यकीन नहीं करता। अब सुनो ये क्या बोलते, ओ जग्गू हमारा मुंह क्या देखता है? उठाओ इस नेक इंसान को हमारा गाड़ी में डालो, इसको अस्पताल ले जाना होगा। और राजन, एक्सीडेंट के बाद जो तुमको शेरगढ़ी में लेकर आया था वो तुम्हारा अपना बीवी था। वो जिस बच्चे को तुम अपनी गोद में खिलाता था जालिम, वो तुम्हारा अपना खून था। राय बहादुर, हम लोगों ने वो देवी पर बड़ा जुल्म किया है, खुदा का कसम बड़ा जुल्म किया है। बीना, बीना! माँ, वो मुझे बुला रहे हैं। बीना! वो मुझे खुद बुला रहे हैं माँ। मैं जानती थी वो मुझे जरूर लेने आएंगे। मैं जानती थी माँ, मैं जानती थी वो आएंगे। राजन, राजन! बीना, बीना! राजू, राजू,
जन्म जन्म का हो। Honey, 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 honey.
मुझे इस पत्थर को जल्दी हटाइए बाबूजी, वो जिंदा है, वो जिंदा है। इसी के प्रताप से तो मैंने तुझे फिर से पाया है। इंसान पर शक करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है।